हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी सीरीज लेके चल रहे हैं। अभी तक हमने कुल मिलाकर 725 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 750 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कुल मिला के ये आखिरी वीडियो होगा जिसपे आपको जीके के सारे बहुत सारे सीरीज प्राप्त हुई, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और अब अगर आप इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। पन्ना, मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तबल। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 ईस्वी में। सचेतता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर इलिवर राइट बंधु ने। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन रॉबर्ट ने। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संबत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब मान अपनाया गया? 22 मार्च 1947। रेडियन की खोज किसने की? प्यारे मेरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कमी होती है? 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व के सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथी का देश कौन सा? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन। सन 1993 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्रंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 13 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजानिका नॉर्के, भारत न्यूजीलैंड, भारत की ओर से न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आगामी प्रश्न के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।